नमस्कार, एस्ट्रो योगी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जाने आज बिजनेस में होगा फायदा या नुकसान, हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा दिन, नौकरी और करियर में कैसा बीतेगा दिन, रोमांस के मामले में क्या कहते हैं आपके सितारे। इस तरह के हर सवाल के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अब जानते हैं 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, आज का पंचांग। विक्रम संवत 2080 हिंदू पंचांग के अनुसार मास अश्विन है, पक्ष कृष्ण पक्ष और ऋतु शरद ऋतु है। आज अष्टमी तिथि सुबह 8:08 रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज पुनर्वसु नक्षत्र रात 11:57 तक है, इसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग शिव योग सुबह 6:03 तक रहेगा, इसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि में शाम 5:18 तक गोचर करेंगे, इसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 6:17 तक होगा। आज चंद्रोदय रात 12:19 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से 12:32 तक रहेगा। आज राहु काल सुबह 9:13 से शुरू होकर सुबह 10:41 तक रहेगा। आज नवमी श्राद्ध है। अब जानते हैं सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है 7 अक्टूबर का दिन। शुरू करते हैं पहली राशि मेष राशि से। कर्क राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। परेशानियां आपके जीवन का हिस्सा हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। आपको किसी की सहायता की आवश्यकता होगी। आज आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपको अच्छी सलाह देगा। अपने लाभ के अनुसार इस सलाह का प्रयोग करें, यह आपके करियर में काफी मदद करेगा। आज आपके रिश्तों में गलतफहमी एवं तनाव पैदा हो सकता है, जिसे दूर होने में कुछ समय लगेगा। शुरू में ध्यान ना देने के कारण समस्या गंभीर हो गई है, इसे दूर करने के लिए साथ बैठकर बातचीत द्वारा आराम से हल ढूंढा जा सकता है। इस समस्या के बारे में चर्चा करने से ना बचें। आज आपको इस बात की खुशी होगी कि अपनी मेहनत के कारण आप अपने काम में सफल हो सके। आपका साथी भी इस बात से खुश होगा कि आप अपने काम व सफलता का मजा ले रहे हैं। इस अच्छे समय का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। अचानक मिली बड़ी आर्थिक सफलता आपको और अधिक प्रेरित करेगी। इस आर्थिक सफलता का सदुपयोग कुछ इस तरह करें कि इससे आपको और अधिक सफलता मिले, क्योंकि अभी और आर्थिक सफलता के संकेत हैं। अपने काम में उठाए गए सही कदम आपको आर्थिक लाभ दिलाएंगे, इसके दम पर अपना लक्ष्य भी पा लेंगे। कोई नई योजना शुरू करने के लिए भी ये उचित समय है। व्यवसाय में कोई नया विचार सामने आता है तो उसे तुरंत स्वीकार कीजिए, यह आपके हित में होगा। अपने सभी सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य की बात की जाए तो बहुत दिनों से स्वास्थ्य खराब होने के कारण आज आप अच्छा महसूस करेंगे। कम तनाव होने से ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा, इससे आपकी सेहत को फायदा होगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ग्रहों की स्थिति भी आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगी। आप व्यायाम करना शुरू करें ताकि आपकी सेहत लंबे समय तक बरकरार रहे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी के अनुसार शाम 4:30 से 6 बजे का समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज रोज पिंक कलर आपके लिए लकी रहेगा। धन्यवाद। अब जानते हैं वृषभ राशि के लिए आज का राशिफल। चंद्रमा के कर्क राशि में होने से आप खुद को कभी दिशाओं में खिंचा हुआ महसूस कर सकते हैं। ये चिंता घर और काम दोनों में ही आ सकती है। प्रिय वृषभ राशि, आज आपको अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है और अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी, ताकि कोई बड़ी जिम्मेदारी ना चूक जाए। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषी सुझाव देते हैं कि काम और परिवार दोनों को ही संभालना होगा और इसके लिए कोशिश करते रहें, चीज़ें जल्द ही व्यवस्थित हो जाएंगी। आज आप अपने प्यार भरी जिंदगी के प्रति उदासीनता का अनुभव करेंगे। कुछ है जो आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ा रहा है, जिसके कारण आप तनाव में हैं। आप हिम्मत रखें और अपने साथी के साथ इस बारे में विस्तार से विचार करें। आप पाएंगे कि छोटी मोटी परेशानियाँ स्वतः ही दूर हो जाएंगी। आज आप पाएंगे कि आपके करियर में आपके लिए बहुत सी आश्चर्यजनक बातें छिपी हुई हैं। कोई आपकी कार्य क्षमता को जांच रहा है और आपसे बहुत प्रभावित है। आपको कोई नई नौकरी का निमंत्रण मिल सकता है। इस मौके का लाभ उठाकर आप अपने करियर को और आगे बढ़ा सकते हैं। व्यवसाय से जुड़ा कोई फैसला लेते वक्त आप सावधान रहें, ताकि कोई आपको ठगे नहीं, क्योंकि अंदेशा है कि आपके व्यवसायिक साझेदार आपके व्यवहार का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वैसे जहां तक आर्थिक मामलों का सवाल है, आपके लिए आज का दिन अच्छा है, पर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाह रहे हैं तो फैसला लेने की अपनी क्षमता को और विकसित कीजिए।
आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, कुछ पुरानी बीमारियों से आपको शांति मिलेगी, लेकिन फिर भी आप थोड़े से चिड़चिड़े हो गए हैं, तो आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। आज आप संतुलित भोजन करें और अपना ज़्यादा समय टीवी देखने में ना लगाकर बाहर जाकर व्यायाम करने में लगाएं। हल्का नीला रंग आज आपके लिए लकी रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे का समय बहुत ही भाग्यशाली है, इसी समय के अनुसार योजना को बनाएं। धन्यवाद। बात करते हैं मिथुन राशि की। प्रिय मिथुन राशि, ये संभावना है कि ये दिन आपके सामाजिक दायरे को फैलाने के लिए बहुत अवसर प्रदान कर सकता है। चंद्रमा का कर्क में गोचर आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी शक्ति रखता है। ये आपके लिए एक अच्छा समय है जब देखभाल और विश्वास के संबंधों को गहरा कर सकते हैं। आप अपने प्रियजनों के करीब आ रहे हैं और अपने जीवन में उनके महत्व को महसूस कर रहे हैं। एस्ट्रो योगी की ज्योतिषी के अनुसार हो सकता है कि आपने उन्हें अतीत में हल्के में लिया हो और इसको वापस सुधारने के लिए माफी मांगे और गर्म जोशी से गले मिले और देखें कि इससे क्या अद्भुत अंतर आता है। अपने प्रियजनों के साथ किसी भी मतभेद को सुलझाने और साथ में कुछ अच्छा समय बिताने का ये अच्छा समय है। यदि आज आपका विवाह होने जा रहा है तो मतभेद पैदा ना हो और ना आपके रोमांस में कमी आए। ग्रह नक्षत्रों के कारण आज कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपसी प्रेम को बनाए रखना जरूरी है। कार्यस्थल की बात की जाए तो आज आप अपने आकर्षण से अपने बॉस, साथी व अपने ग्राहकों को आकर्षित कर पाएंगे। अपने प्रमोशन की उम्मीद को बढ़ाने के लिए आपको अपने संबंधों व अपनी संप्रेषण कला का सहारा लेना चाहिए। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इससे आप अपनी सफलता के बीज बो सकते हैं। आर्थिक लाभ के बड़े अच्छे मौके आज आपके सामने होंगे, लेकिन बस मौके का फायदा उठाने के लिए आपको बड़ी ठोस और सटीक नीति बनाकर चलना होगा। आप में इतनी समझदारी और चीज़ों को जानने की तत्परता है कि आप आर्थिक मोर्चे पर आ रही समस्याओं को तुरंत दूर कर लेंगे। कामकाज में आ रही किसी मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए कुछ कड़े कदम उठाइए। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, हर मंजिल आसान है। आज आपको सेहत को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। अच्छी सेहत के कारण आप बाहर टहलने जा सकते हैं और अपना मनपसंद खेल भी खेल सकते हैं। आज पूरे दिन आपके अंदर ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। शाम 6 बजे से 7 बजे के दौरान आपके ग्रह सबसे अधिक पक्ष में हैं और आज के लिए बैंगनी रंग आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। धन्यवाद। अब देखते हैं कर्क राशि के लिए क्या खास है आज के दिन में। चंद्रमा के कर्क राशि में होने से आज आप अपनी विरोधी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा संघर्ष महसूस कर सकते हैं। आपने अभी तक जो कड़ी मेहनत की है अपने क्षेत्र में, उसका धन लाभ अब आपको मिलने लगेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप विशेष रूप से अपने घरेलू मोर्चे पर किसी भी जिम्मेदारी या कर्तव्यों की लापरवाही ना करें। जैसा कि संतुलन बनाना आपके लिए पहले भी कोई बड़ी समस्या नहीं रही है, इसे भी आप चतुराई और विनम्रता के साथ संभालने और सभी को खुश करने में सक्षम रहेंगे। आज हालात कुछ ऐसे होंगे कि आप अपने प्यार को भरपूर रूप से नहीं पा सकेंगे। उन हालात पर काबू पाने के लिए अपने अहम को एक तरफ करके जिंदगी का भरपूर आनंद अनुभव करें। आप अपने चाहने वाले के साथ मस्ती का अनुभव करें। कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो ऑफिस में बहुत काम रहेगा। आज का दिन सामान्य ही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम का बोझ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है और उसके कारण आपको कुछ तनाव भी हो सकता है। उन चीज़ों को भी पकड़ने की कोशिश करें जो कि दूसरी तरफ से आपके पास आ रही हैं। ये सही वक्त है कि आप अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को समझें और अपने आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें। चाहे इसमें जो भी जोखिम हो और जितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़े, आगे बढ़ें। आज आप शेयर बाजार में निवेश करना चाह रहे हैं तो ये सही मौका है। निवेश के जो नए मौके सामने आ रहे हैं उनमें पूरी समझदारी से आगे बढ़ें और मौके को जल्द ही हथिया लें। सेहत की बात की जाए तो हो सकता है आज आपको हल्के दर्द की शिकायत बनी रहे, इसलिए ये अच्छा समय है जब आप बाहर जाकर ताज़ी हवा और व्यायाम का लाभ उठा सकते हैं। आपका खान पान ठीक है, मगर लापरवाही के कारण आपको परेशानी हो सकती है। बेहतर किस्मत के लिए आज नीले रंग का यूज़ करें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार आज दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे का समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। शुक्रिया।
अब देखते हैं क्या कहता है सिंह राशि के लिए आज का राशिफल। सिंह राशि के जातक, कर्क राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण किसी प्रियजन या करीबी दोस्त के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। किसी भी क्रोध या नकारात्मक भावनाओं को आप पर हावी होने देने का अच्छा समय नहीं है। अपने अच्छे समय को याद करें और आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना मायने रखते हैं। कभी कभी एक फोन कॉल सब कुछ बदल सकता है। आज आप अवांछित मतभेदों से बचने का प्रयास करें, छोटी छोटी बातों को अनदेखा करें। आप पाएंगे कि आपसी रिश्ते फिर से सामान्य हो रहे हैं। काम के क्षेत्र में आपके पास बहुत से विकल्प हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हैं और कुछ में खतरा भी है। अब आपको ये निर्णय लेना ही होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। सभी विकल्पों पर ठीक से विचार करके उनकी अच्छाइयों व बुराइयों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर आप जवान हैं तो कितना भी बड़ा खतरा झेल सकते हैं। आर्थिक सफलता के दम पर आप अपने सपने को साकार करेंगे और इस तरह आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं वो भी साध लेंगे। जो भी हो, अच्छे मिजाज और सकारात्मक सोच के साथ अपना प्रयास जारी रखें। इस सफलता की प्रेरणा लेकर आप और समझदारी भरा निवेश करें और अपना आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं आप। सेहत की बात की जाए तो आज आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। आज आप बाहर जाने के लिए उत्साहित होंगे, इसलिए बाहर जाकर ताजी हवा का लाभ उठाएं। आज आपका मन अपना मनपसंद भोजन बनाने को करेगा। आप खूब मस्ती करेंगे, ऊर्जा का स्तर भी अच्छा रहेगा। आज आप मस्ती करें क्योंकि आज आपकी सेहत एकदम टिप टॉप रहने वाली है। सौभाग्य के लिए आज चांदी पहने। सुबह 10 से 11 का समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि, कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर आपको अनावश्यक रूप से चिंतित कर सकता है। इसके अलावा आपकी चिंता का स्तर थोड़ा अधिक हो सकता है। आज किसी गंभीर बात में ना उलझें और चीजों को यथासंभव सरल रखें। परेशानी का समय जल्द ही बीत जाएगा। अपने प्रियजनों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। आप काफी बेहतर महसूस करेंगे। चिंता ना करें क्योंकि चीजें जल्द ही सामान्य हो जाएंगी। लव लाइफ की बात की जाए तो आज ध्यान रहे कि आप अपने साथी को किसी भी कारण से ना कोसें। अत्यधिक नकारात्मक रवैये के कारण आप दोनों के बीच की दूरियां बढ़ सकती हैं। आपकी भाषा का असर साथी पर पड़ेगा और हो सकता है कि वो भी उसी भाषा में आपको जवाब देना शुरू कर दे। इस विषय पर आज सतर्क रहें। कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। लंबी परेशानी के बाद आज आप अपने करियर के बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगे। बच्चे के जन्म के बाद भी आपको इसी जगह पर काम करना चाहिए या नहीं और जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में आप निर्णय लेंगे। जो भी निर्णय लिया गया वो आप बिल्कुल सही लेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बहुत हद तक संभावना है कि ऑफिस में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाए। इससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा। यही नहीं, इससे आपकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। ये सब कुछ होगा लेकिन तभी जब आप अपने काम में खरे उतरेंगे और दी गई जिम्मेदारियों को समय से पहले पूरा कर लेंगे। आज कुल मिलाकर आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। जिन लोगों ने व्यायाम करना बंद कर दिया है या फिर जो व्यायाम करने की सोच रहे हैं, वो लोग अब इंतजार ना करें क्योंकि अब वक्त आ गया है। आज आप पूरे साहस के साथ सेहत मंत्र को पाने में जुट जाएं। एस्ट्रो योगी की ज्योतिषी के अनुसार दोपहर 1 बजे से 2 बजे का समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। काला आपके लिए आज लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। अब जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए क्यों खास है आज का दिन। प्रिय तुला राशि वालों, कर्क राशि में स्थित चंद्रमा के कारण आप आज आशावादी महसूस करेंगे। नई चीजों पर काम करने के लिए आज अच्छा समय है। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषियों का सुझाव है कि जब आप किसी चीज पर जानकारी प्राप्त करते हैं तो सावधानी के साथ आगे बढ़ें और अपने आप को शर्मनाक स्थिति से बचाने के लिए पूर्ण रूप से उसके बारे में समझ लें। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिहाज से भी आज अच्छा दिन है। आपको बता दें कि आप अपने करीबी लोगों के साथ समय गुजारें और आपको बहुत अच्छा फील होगा ऐसा करके। आप अपने परिवार की कंपनी में क्वालिटी टाइम आज बिता सकते हैं। लव लाइफ की बात की जाए तो हो सकता है कि चाहने वाले से कुछ दूरियां बढ़ जाएं। चिंता ना करें, ये थोड़े समय के लिए है। अपनी इस तुनक मिजाजी और नकारात्मकता को अपने रास्ते में ना आने दें। ठंडे दिमाग से काम लें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ समय बिताएं। फालतू की बहस में ना पड़ें।
कार्य क्षेत्र में आज आप अपनी योजनाओं को खुद समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इस व्यक्ति की जितनी मदद आप लेना चाहें लें, इसमें जरा भी हिचके नहीं, इससे आपको लाभ होगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बहुत हद तक मुमकिन है कि ऑफिस में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए जिससे कि आपको आर्थिक लाभ होगा। आर्थिक सफलता से आपकी जिंदगी में ना सिर्फ एक नई चमक आएगी बल्कि उन्नति के और भी कई रास्ते खुलेंगे। ये भी मुमकिन है कि आपके वेतन में बढ़ोतरी हो। जो लोग इंटीरियर डिजाइन का कोर्स कर नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, आज नौकरी के लिए बुलावा आने की संभावना है। आज आपकी सेहत चमकती नजर आएगी और इस चीज को दूसरे लोग भी महसूस करेंगे। आज आप मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से खुद को स्वस्थ पाएंगे। आज मानसिक तनाव भी कम होगा, इसलिए आज आप पूरी शक्ति से अपने घर वालों और दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर पाएंगे। महत्वपूर्ण कार्यों को शाम 5 से 7:30 के बीच शेड्यूल करें। आज आपका भाग्यशाली रंग गुलाबी रहेगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बहुत बहुत स्वागत है आपका वृश्चिक राशि के जातकों। कर्क राशि में मौजूद चंद्रमा जीवन में आपकी आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है। प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, आज ग्रह आपके पक्ष में रहेंगे और आपके लिए किसी लंबे कार्य को आगे बढ़ाने का ये बहुत ही अच्छा समय है। अपनी मानसिक क्षमता को सुधारने या अपने एकेडमिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए आज आप जो भी कदम उठाएंगे उसमें आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। कई आकर्षक अवसर आज आपके रास्ते में आ सकते हैं, परंतु सफलता निश्चित है। लव लाइफ की बात करते हैं। आज आपकी पुरानी सोच को आपकी रोमांटिक जिंदगी पीछे छोड़ देगी, जिसके कारण नए रिश्ते बन सकते हैं। अपने साथी के समक्ष अपने विचार रखने में ना हिचकें तथा खुलेपन से आपसी रिश्ते पर विचार करें। हो सके तो बाहर घूमने जाएं। उम्मीद है कि इससे आपकी सोच एवं रिश्ते पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज का दिन प्यार पाने का दिन है। कार्य क्षेत्र में आज आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए आपको उसे किसी और क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए या फिर विदेश तक फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का इस समय आप पर फितूर सवार है। सभी विकल्पों पर विचार करके आगे बढ़ें, इससे आपको लाभ ही होगा। आज किसी नए करार पर हस्ताक्षर करने से पहले होशियार रहना पड़ेगा। बेहतर तो ये होगा कि आप पहले किसी विधि सलाहकार से इस विषय में सलाह ले लें। अगर आपने बिना ठीक से पढ़े सुने किसी मसौदे पर हस्ताक्षर कर लिया तो हो सकता है आप भविष्य में किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। आज आप बहुत खुश नजर आएंगे क्योंकि सेहत अच्छी रहेगी। ऊर्जा का स्तर भी ज्यादा बना रहेगा। आज आप साहस जुटाकर फिर से व्यायाम शुरू कर देंगे। आपने लापरवाही की वजह से व्यायाम ठीक से नहीं किया है, मगर अब वो समय आ गया है जब आप फिर से जिम जाना शुरू कर सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दोपहर 1:15 से 2:30 तक का समय अनुकूल है। इसी समय पर अपने महत्वपूर्ण योजनाएं बनाइए। धन्यवाद। अगली राशि धनु राशि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रिय धनु राशि, यह आपकी कड़ी मेहनत का फल पाने का समय है क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में है। सम्मान, पहचान, पैसा और तरक्की आज आपको बड़ी मात्रा में मिलेगी। आज अपने विचारों को क्रियान्वित करने के लिए आप एक अच्छी स्थिति में होंगे। आपको अपने जीवन की वर्तमान दिशा से बहुत संतुष्टि महसूस होनी चाहिए और आपको खुद के लिए और अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए। लेकिन याद रखें, अभिमान को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आज आपको चाहिए कि ध्यानपूर्वक सुने कि आपका लव पार्टनर क्या चाहता है। हो सकता है वो अपनी ज़रूरत या चाहत बताना चाहता है। उसकी बातों पर भरपूर ध्यान दें। यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं विचार करेंगे तो आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आज आप पाएंगे कि पिछले कुछ समय से जो बात आपको परेशान कर रही थी, आज वो परेशानी कम हो रही है। आप पर काम का बहुत बड़ा बोझ रहेगा, लेकिन काम से संबंधित कुछ तनाव आज कम हो जाएगा। कम तनाव के इस दौर को नज़रअंदाज ना करें, अपना प्रयास जारी रखें। हो सकता है कि पैसे से जुड़े किसी मामले में आज आप जोश में आकर कोई गलत फैसला कर बैठे, इसलिए आज काम काज के समय या कोई आर्थिक फैसला लेते समय आप अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखें। जरूरी नहीं हर आदमी हर समय अच्छा ही निर्णय ले, इसलिए हो सकता है आपका कोई फैसला आपका ही नुकसान कर दे, इसलिए जरा संभल कर निर्णय लें। स्वास्थ्य की बात करते हैं।
आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आज आप स्वच्छ और संतुलित भोजन खाना पसंद करेंगे जिससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, आज कार्य करने की क्षमता कम हो सकती है इसलिए आप जिम भी जा सकते हैं। कोशिश करते रहें, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। शाम 4:15 से शाम 5:45 का समय भाग्यशाली रहेगा, लाल रंग आपके लिए लकी रहेगा। धन्यवाद। अब बारी है मकर राशि वालों की। तो प्रिय मकर राशि के जातक, चंद्रमा आज कर्क राशि में है। आज हाई पोजीशंस पर बैठे लोगों से बात करने से आपको लाभ होगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके ऑफिस में सीनियर्स या हाई रैंकिंग वाले गवर्नमेंट अफसर आपको दिशा देंगे। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों का सुझाव है कि आप अपनी कागजी कार्रवाई को व्यवस्थित करना ना भूलें और जितना जल्दी हो सके चीज़ों को पूरा करें। दूसरों की मदद करने की क्षमता को आज अपने सबसे बड़े फायदे के लिए इस्तेमाल करें, इसलिए सीनियर्स से सलाह और निर्देश लेने के लिए तैयार रहें। आप कभी नहीं जान सकते कि कैसे कुछ गाइडेंस आपके लिए अद्भुत काम कर सकते हैं। लव लाइफ की बात की जाए तो आज का दिन दिक्कतों से भरा रहेगा, जिसमें आपको ये समझना कठिन होगा कि आपसी गलतफहमियों को कैसे दूर किया जाए। अपनी समझदारी से इस कठिन परिस्थिति से बचकर निकलना होगा। आपकी ये समझदारी आपके साथी को आपकी ओर आकर्षित करने का कारण देगी। सदैव अपने प्रिय से प्यार एवं सहानुभूति से पेश आए, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। आज आपको इस बात का आश्चर्य होगा कि आपने काम की सही दिशा चुनी है या नहीं। ऑफिस में काम के बोझ के कारण आप अपने करियर को बदलने के बारे में सोचेंगे। आपको अपने सभी विकल्पों के बारे में सोच लेना चाहिए, इससे आपको फायदा ही होगा। उपलब्ध सभी विकल्पों के बारे में अंदर बाहर से जांच कर आपको अपने करियर के क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। व्यवसाय में धीमी गति से काम काज चलने के कारण आप आर्थिक रूप से तनाव में घिर सकते हैं, लेकिन चिंतित होने से अच्छा है कि अपने व्यवसाय में सुधार करने की कोशिश करें। कई सारी योजनाएं जो अधर में लटकी हैं, उन्हें पूरा करने के लिए सभी जरूरी काम आज आपको सावधानी पूर्वक करने चाहिए। आपके लिए अच्छा रहेगा कि कोई नया काम शुरू करें, इससे पहले उन्हें जरूर पूरा कर लें जो पहले से ही हाथ में है। संभल कर चलेंगे तो आपको अपना आर्थिक लक्ष्य जरूर मिल जाएगा। सेहत की बात करते हैं। लंबे समय के बाद आज आप खुद को स्वस्थ और अच्छा महसूस करेंगे। जो लोग किसी तरह की शारीरिक बीमारी से ग्रसित हैं, आज उनकी सेहत में पहले से सुधार आएगा। अपनी व्यायाम करने की आदत को बनाए रखें, इसका फल आपको अभी और लंबे समय तक देखने को मिलेगा। दोपहर 2 से 3 का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। पीला दिन के लिए लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। प्रिय कुंभ राशि, चंद्रमा की कर्क राशि पर उपस्थिति के कारण आज आपकी अति उत्कृष्ट संगठनात्मक कौशल आज रोशनी पर रहेंगी, या तो कार्यस्थल पर या घर पर। एस्ट्रोयोगी की ज्योतिषी के अनुसार आज आप कोई खुशखबरी सुन सकते हैं और आज आपको कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जिनको आपको दोनों हाथों से पकड़ के रखना चाहिए ताकि वो आपके हाथ से फिसल ना जाए। आज आपकी ऊर्जा और रचनात्मकता का स्तर ऊंचा है और लोगों को ये महसूस होगा कि आप कितने अच्छे हैं जब आप अपना दिमाग आयोजन करने और बहुकार्य करने में लगाएंगे। उससे ज़्यादा इस समय का अपने हाथ में आए हुए मुद्दों को सुलझाने में इस्तेमाल करें। आपकी सावधानी और विस्तार के लिए नज़र आज आपके लिए अच्छी पेशकश लेकर आएगा। विवादों एवं तकरारों से बचते हुए अपने प्यार को बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। आज आप बोलने से पहले यदि भली प्रकार सोच लेंगे तो आप अपने साथी के मिजाज को बिगड़ने नहीं देंगे। हालात को बिगड़ने से बचाने का प्रयास करें। आप शांत रहकर समझदारी से माहौल को बिगड़ने से बचा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आज आपको अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, इससे अगली बार जब आप नौकरी ढूंढने जाएंगे तो आपको आसानी होगी। हालांकि फिलहाल आप अपने काम से संतुष्ट हैं, लेकिन भविष्य में अचानक आपको नौकरी बदलने की जरूरत पड़ सकती है। इस समय अपनी कमियों को पहचानने से भविष्य में आपको नौकरी ढूंढने में मदद मिलेगी। अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाने वाली योजनाओं के झांसे में आज नहीं आए। अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए और अपना पैसा अभी बचा कर रखिए। हालांकि कुछ लोग चाहेंगे कि आपकी मोटी कमाई को ऐसी वैसी जगह लगवा दें, लेकिन ये जता दें कि आप उनके झांसे में नहीं आने वाले। आज थोड़ा संभल कर चलें।
सेहत की बात की जाए तो आज आप खुद को ऊंचाई पर महसूस करेंगे। आज आपका आत्मविश्वास और बल भी ऊंचे रहेंगे, जिससे आप किसी भी कार्य को कर सकेंगे। आप अपने दृढ़ निश्चय और सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग नए कार्य प्रारंभ करने में कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यकारी नीति अपनाएं। आज सुबह 9 बजे से 11 बजे का समय भाग्यशाली रहेगा। आज के लिए गुलाबी रंग आपका भाग्यशाली रंग रहेगा। शुक्रिया। और अब बारी आती है आखिरी राशि मीन राशि की। कर्क राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपके खर्चों में थोड़ी वृद्धि होगी। अनावश्यक चीजों पर खर्चे कर सकते हैं। अपनी व्यवसायिक योजनाओं को बेहतर तरीके से काम करें। आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव का अनुभव होगा। आप अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। संवेदनशील रिश्तों पर आपस में बातचीत करते हुए ध्यान रहे कि आपकी बातों से गलत फहमियां ना पैदा हों। कुछ कहने से पहले भली प्रकार सोच लें व अपने साथी की बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनें। आज आप इस बात का पता करने की कोशिश करेंगे कि काम से संबंधित किस क्षेत्र में आपकी कार्य कुशलता कुछ कम है और आप उसे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। ये कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र हो सकता है या फिर आपकी संप्रेषण कला हो सकती है। आप अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह लेंगे या फिर उससे संबंधित कोई किताब पढ़ेंगे। आज आप ये तो विचार कर ही लीजिए कि आपको किस तरह की बचत योजना में अपना पैसा लगाना है। अगर कई सारे अच्छे विकल्प सामने हो तो किसी आर्थिक सलाहकार से सलाह ले लीजिए और आपके लिए जो सबसे बढ़िया विकल्प हो उसी में पैसा लगाइए। आज आप आराम पर ध्यान दें और खुद पर तनाव ना आने दें। पर्याप्त नींद लें, सेहत के लिए यही अच्छा है। आपका ऊर्जा स्तर, मूड और स्वास्थ्य सभी में फायदा होगा। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषी के अनुसार आपका लकी कलर लाल है। दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक का समय आपके लिए शुभ रहेगा। धन्यवाद। ये राशिफल चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रोयोगी के दर्शकों के लिए खास ऑफर। आप सभी एस्ट्रोयोगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त, और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। तो आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रोयोगी ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब आप एस्ट्रोयोगी के लाइव सेशन पर भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोयोगी ऐप या फिर लॉग इन करें astroyogi.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रोयोगी। पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री।